हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, लास्ट लेक्चर जो हमने किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता है। लास्ट लेक्चर जो हमने किया उसके अंदर अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने करी। कंडक्टर जो हमने पढ़ा, कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो कैसे बिहेव कर रहा था, वेलोसिटी कैसे निकाली थी अपन ने, वो फाइंड किया, थर्मल वेलोसिटी निकाली थी अप्रॉक्सीमेट 10^6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आए कि अगर हमने कंडक्टर को ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला अपन ने डिराइव किया था। देन इसके बाद में रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमने डिराइव किए थे कुछ फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। आगे भी अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाए। अपने पास में जो आज का फर्स्ट टॉपिक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। टॉपिक डाल लें, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, क्या है वो डेफिनेशन देखें। The drift velocity acquired by a charge carrier in applied electric field, ठीक है, that is called what? Mobility of the charge carrier, ठीक है। Define करें इसको, definition को लिखिए आप। The drift velocity acquired by a charge carrier in unit electric field, ठीक है, is called what? Mobility of the charge carrier। देखिए, जैसे जैसे आप electric field को increase करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड भी इनक्रीज होती चली जाती है इलेक्ट्रॉन की, या चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंक्रीज करते जाए, क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड भी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू म्यू इन टू ई। म्यू क्या है यहां पर, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, और म्यू को हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। ये एक सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए चार्ज कैरियर इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, ठीक है। वी डी की वैल्यू मालूम है, फार्मूला याद था अपने को, बोलिए क्या था फार्मूला, जल्दी बोले फटाफट, दैट इज ई कैपिटल ई बाय एम इन टू टाउ। टाउ क्या था यहां पर, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, बोलिए व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन्स, बताया था मैंने आपको, टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई में, क्या आएगा, देयर फॉर म्यू इज इक्वल्स टू ई कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम, तो है ही फॉर्मूला वी डी की वैल्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और है साथ में, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कैंसिल हो गया, म्यू इज इक्वल्स टू क्या आया, म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू टाउ बाय एम। ये एक रिलेशन अलग आ गया इसका, ठीक है। और क्या इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या था ऑल्सो, देखिए रिलेशन कैसे निकलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, यही था, तो सिग्मा अपॉन एन ई इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक ई को उठा करके और एन को उठा के नीचे ले जाए, यहां पर यहां एक ई बच जाएगा टाउ बाय एम, और ई टाउ बाय एम ये भी म्यू के इक्वल है। देखिए ये दोनों रिलेशन क्या हो जाएगा,
एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, E इंटू टाउ बाय एम, E इंटू टाउ बाय एम क्या हो गया म्यू. देयरफॉर वन मोर रिलेशन इज हियर, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एन ई. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द कंडक्टिविटी. किसकी कंडक्टिविटी? ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है. ठीक है, एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी. ये रिलेशन है और रिलेशन से फिर रिलेशन अलग अलग निकलते चले जाएंगे. डिपेंड करता है कि अपने को रिलेशन किस चीज में चाहिए, किन किन क्वांटिटीज के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं यहां पर. ठीक है, तो ये मेन मेन फार्मूलाज हैं जो कई बार आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काम में आ जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अपने पास में बनते हैं. ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत पढ़ा हुआ टॉपिक है. मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में 10th क्लास से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, जैसे ओम्स लॉ बताया था. ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ा अपन ने, ओम्स लॉ पढ़ा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े अपन ने, रेजिस्टेंसेस के, वही चीज़ें हैं हमारे पास में. तो टॉपिक डाल लें अपन, दैट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या बोलता है? सबने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर ये. व्हाट इज ओम्स लॉ? टॉपिक लिखिए. ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास? एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक, कौन कौन सी कंडीशन? टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और क्या क्या? डायमेंशंस. डायमेंशंस मीन्स उसकी लेंथ ब्रेथ कंडक्टर की. देन इसके बाद में नेचर ऑफ द कंडक्टर. नेचर ऑफ द कंडक्टर मीन्स इट रिलेटेड टू, यू कैन से, नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर. नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, उसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं. तो ये नेचर ऑफ द कंडक्टर होता है. तो दीज ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कॉन्स्टेंट एंड इफ वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस अगर हम वी पोटेंशियल अप्लाई करें, तो ये जो पोटेंशियल है ये किसके प्रपोर्शन में होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. तो वी को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल को जितना बढ़ाएंगे, आई भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ता चला जाता है. ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लीजिए इसको. एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस, एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस है ये मैंने अभी आपको बता दी है. टेम्परेचर है, प्रेशर है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है, नेचर ऑफ द कंडक्टर है, ये सारी फिजिकल कंडीशन में आती हैं. एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इज प्रपोर्शनल टू व्हाट? प्रपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, फ्लोइंग थ्रू इट, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है इसका. ठीक है, लॉ है, उसका स्टेटमेंट है. अब अगर देखें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा? मैथमेटिकल फॉर्म देखिए इसकी. मैथमेटिकल फॉर्म क्या बोलती है? V इज प्रपोर्शनल टू I. यही बोला अपन ने. क्या बोला देखो, स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इट मतलब कंडक्टर आ गया यहां पर, करेक्ट. तो यानी कि ये क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू R इनटू I. R यहां पर प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. क्या है R यहां पर? हमारे लिए ये कांस्टेंट है, ठीक है. तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तो बहुत से क्या करते हैं कि V अपॉन I का जो रेशियो है
इसी के बेसिस के ऊपर ओम्स लॉ को डिफाइन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस द रेशियो इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट वी और आई का, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। जब वी और आई में ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपने देखा होगा वी और आई के अंदर अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन क्या ये हमेशा स्ट्रेट रहेगी, ये आगे जा करके थोड़ा सा कर्व हो जाता है इस तरीके से, इसमें ना इस चीज़ को आप ध्यान रखो, इस तरीके से कर्व आ जाएगा। लेकिन वो अलग चीज़ है, हम केवल और केवल ओम्स लॉ की अगर बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने को क्या मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ आ गई हमारे पास में, R। R इज वॉट, इट इज द रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस। कैन यू डिफाइन द रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कर पाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बोलिए, रेजिस्टेंस सिंपल द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड या ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, वो रेजिस्टेंस होगा, उसको रेजिस्टेंस बोला जाएगा। करंट तो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मान लीजिए राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो करंट लेफ्ट टू राइट जाएगी, हमें मालूम है करंट के फ्लो की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन्स भी होंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन आयंस कोलाइड करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो वो एज ए रेजिस्टेंस अपने को यहाँ पर पता पड़ता है, ठीक है। अब ये किन किन चीज़ों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, ये भी तो मेन चीज़ है हमारे पास में, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कैसे करेगा, थ्रू रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे क्या होगा, नेचर ऑफ द कंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, टेंथ क्लास में हमने पढ़ा है ये चीज़ सारी, उसको अपन बार बार रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। नाउ इसके बाद में हमारे पास टॉपिक आता है, दैट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, टॉपिक डाल लीजिए ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, पढ़ाया अपन ने, नाम से पता पड़ रहा है ओमिक कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, ठीक है ना। तो ओमिक कंडक्टर्स है ना, द कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ, उनको ओमिक कंडक्टर बोला जाएगा भाई, ठीक है, ओम्स लॉ को जो ओबे करेंगे, यानी कि जिनका ग्राफ कैसा आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, अभी थोड़ी देर पहले बताया ये वी आई ग्राफ है, ओम्स लॉ इस तरीके से ग्राफ आएगा, तो जिनका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है वो ओमिक कंडक्टर हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए स्लोप, अब अगर अपने को रेजिस्टेंस निकालना है तो रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ दिस वी आई ग्राफ विल गिव द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसके अंदर देख लो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, स्लोप निकाल लो इसका, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा, मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना, टेन थीटा हो गया, तो कहीं भी अपन पॉइंट लेकर के स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी वी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन बाई आर के, ठीक है।
तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, R इज इक्वल्स टू 1/ स्लोप ऑफ VI ग्राफ हो जाएगा। सिंपल सी चीज है बहुत, है ना। तो रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ VI ग्राफ हो गया, ठीक है। ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या आएगा, नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स में क्या होगा, देखो डायरेक्ट लिख लें इसको, द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, ठीक है, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं हमारे पास में, ठीक है, वो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे अपन बोलते हैं यहां पर पी एन जंक्शन डायोड, अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये पढ़ेंगे अपन, लेकिन बहुत लास्ट में जाकर के पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड के लिए जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, वीआई ग्राफ, तो वो इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा, ऐसे आएगा और यहां से इस तरीके से चला जाएगा। तो ये ओम्स लॉ में तो क्या स्ट्रेट लाइन आ रहा था, क्या यहां स्ट्रेट लाइन है, यहां स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन ओमिक होगा, ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अपन देखें पी एन पी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होने वाला है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर वीआई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने को ग्राफ मिलेगा, इस तरीके से ग्राफ आ गया, अलग अलग वैल्यू के ऊपर अलग अलग अपने को करंट मिलेगा, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहां पर अपन बोलेंगे नहीं, लेकिन वैल्यूज अलग अलग मिलती है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके का अपने पास में ग्राफ आ जाता है पीएनपी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स हुए हमारे लिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। नॉन ओमिक कंडक्टर के बाद में हम बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जो भी अपन बोले, क्या है टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रिलेशन याद कीजिए, कुछ रिलेशन अपन जो 11th क्लास में पढ़ के आए थे, टेम्परेचर कोफिशियंट वगैरह हमने पढ़ा था, है ना, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में बात की थी, वॉल्यूम वाइज जो एक्सपेंशन हुआ था उसके बारे में बात की थी। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे को एक रिलेशन और मिलता है ना, टॉपिक डालने हमारे पास में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो देखो फिलहाल हम रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो एक रिलेशन आपको पढ़ा होगा रो टी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी के ऊपर अगर रेजिस्टिविटी टी है, दैट इज इक्वल्स टू रो नॉट इन टू 1 अल्फा टी माइनस टी नॉट, पढ़ा है ऐसा कुछ रिलेशन, ध्यान आ रहा है आपको, बिल्कुल पढ़ा होगा, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट इन टू 1 अल्फा टी माइनस टी नॉट या टी टू माइनस टी वन लिख दीजिए, पढ़ा है। ऐसे अपन ने सरफेस के लिए सुपरफिशियल जो किया था, एस इज इक्वल्स टू एस नॉट इन टू 1 अल्फा टी माइनस टी नॉट या टी टू माइनस टी वन, इस तरीके से अपन ने की है ये सारी चीज़ें। तो ये रजिस्टिविटी के लिए, अल्फा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशियंट है ऑफ रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के लिए लेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर रो टी ये क्या चीज़ है, किसी टेम्परेचर के ऊपर ना रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट
टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी है, रो नॉट रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट। अल्फा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक है ना, ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखिए यहां पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में आते हैं। पहला तो है इफ अल्फा इज पॉजिटिव, ठीक है, अल्फा इज पॉजिटिव, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो क्या होने वाला है। सेकंड पॉइंट आता है इफ अल्फा इज नेगेटिव, और थर्ड पॉइंट होता है कि अल्फा पर कोई फर्क नहीं, अल्फा इज जीरो, इफ अल्फा इज जीरो, टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो क्या होगा। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसके लिए होता है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब टी की वैल्यू टी नॉट से ज्यादा हो जाए तो अल्फा पॉजिटिव हो जाता है ना, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज होता है, होगा है ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये किसमें होगा, मेटल्स में, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस किसमें होता है, ये मेटल्स के अंदर ऐसा होता है। अल्फा इज नेगेटिव, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, क्या होगा, ये बहुत एक नई चीज अपन देख रहे हैं सेमी कंडक्टर्स के लिए ऐसा होता है, ठीक है। अल्फा इज जीरो, जीरो है तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा ही नहीं, है ना। देखिए अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाए, अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो ये टर्म पूरी जीरो हो गई, तो रो टी किसके इक्वल हो गया, रो नॉट के इक्वल हो गया, इनटू वन कर दीजिए, रो नॉट के इक्वल हो गया। इसी तरीके से आप रिलेशन जो देख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, अगर आपको देखना है तो आर मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, इट वुड बी इक्वल टू आर नॉट इनटू वन प्लस अल्फा इनटू टी माइनस टी नॉट, ये भी लिख सकते हैं अपन, ये रेजिस्टेंस के लिए है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अल्फा अगर निकालना चाहे तो अल्फा भी निकाल सकते हैं अपन यहाँ पर इसी फॉर्मूले को लेकर के। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए बताया अपन ने कि अगर अल्फा पॉजिटिव है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज हो जाता है। ये बहुत बाद में अपन पढ़ेंगे, ये जब अपने कोर्स का लगभग एंड आने लग जाएगा तो वहाँ पर अपन सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे कुछ, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नहीं, अल्फा जीरो एलॉयज के अंदर ऐसे ही होता है, एलॉयज के अंदर क्या होता है कि जो अल्फा की वैल्यू है ना वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होती है, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, वेरी गुड। आगे चलें अपन टॉपिक डालने, आगे बहुत अच्छा टॉपिक हमारे पास में आ रहा है, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा 10th क्लास में। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या होता है कैसे होता है, 10th क्लास में बहुत डेरिवेशन, बहुत प्रैक्टिस करी है आप लोगों ने इसकी, किए नहीं किए, टॉपिक डाल लें रेजिस्टेंसेस इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कौन कौन से भाई, फर्स्ट है हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज
कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई, एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, बहुत काम आने वाली चीज है भाई थोड़ी देर में ये। आगे जब प्रैक्टिकल आता है ना तो प्रैक्टिकल के अंदर ये बहुत सारी चीजें हमारे काम की होती हैं। तीन रेजिस्टेंसेस ले लीजिए आप, एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक रेजिस्टेंस ये है R2, एक रेजिस्टेंस ये है R3, और इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया अपन ने, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और इसके ऊपर हमने कोई पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ की लगा दीजिए, व्हेनेवर रिक्वायर्ड ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे अपने हिसाब से, प्लस माइनस। यहाँ से करंट I फ्लो करेगा और यहाँ से करंट I वापस आ जाएगा हमारे पास। सीरीज कॉम्बिनेशन ये पढ़ा अपन। तो सबसे पहली चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट क्या रहता है, सेम क्या जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में जो है ना पोटेंशियल की वैल्यू जो रहेगी, यहाँ से देखें पोटेंशियल इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3 पोटेंशियल हमारे पास, इसको ध्यान रखो, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, I क्या होगा, इट वुड बी कांस्टेंट या सेम, करंट सेम होता है, पता है हम लोगों को, 10th क्लास में हमने पढ़ा है ये चीज कि करंट हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो जो टोटल अप्लाइड पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, जितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, V पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, तो ये क्या है, V1 प्लस V2 यानी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल प्लस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल प्लस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है, तो इनके इक्वल हो जाएगा ये। और देखें V1 इज इक्वल्स टू IR1 होगा, क्योंकि I तो सेम है सबके अंदर। सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, IR2। इसी तरीके से V3 इज इक्वल्स टू IR3। वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लें, V/I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ठीक है। और V/I, बट देखिए V/I इज इक्वल्स टू RS बोल दिया, S स्टैंड फॉर सीरीज हो जाएगा, इसीलिए मैंने RS लिया है। तो देयरफॉर द रिलेशन विल बी RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है इसके अंदर अपने को खास, ठीक है। इफ N रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जनरलाइजेशन, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन अप टू RN चला जाएगा, ठीक है। इफ दीज रेजिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, इफ R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन अप टू RN, तो ये मैंने बोल दिया R के इक्वल है, लेट आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो मैंने बोल दिया R1 भी R के इक्वल है, R2 भी R के इक्वल है, R3 भी R के इक्वल है, RN भी R के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, RS क्या होगा भाई, RS इज इक्वल्स टू R+R+ एंड सो ऑन चलता चला जाएगा N टाइम्स तक, होगा कि नहीं होगा, एन टाइम्स चला जाएगा, R+R+R+R+R+R एन टाइम्स हो गया, तो RS कितना हो गया बेटा, RS इज इक्वल्स टू N इंटू R। सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखिएगा, अभी आगे हमारे काम आने वाला ये RS इज इक्वल्स टू NR। तब तक अपन देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलेगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके एंड्स एक साथ कनेक्ट कर दीजिए,
कैसे एक साथ कनेक्ट करेंगे, देखो सेकेंड नंबर डाल रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मैंने बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास में एंड्स एक साथ कनेक्ट होते हैं, एंड्स एक साथ कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स एक अपन ने रेजिस्टेंस लिया इस तरीके से कनेक्ट, दूसरा रेजिस्टेंस लिया इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये लो तीसरा लिया इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हमने सारे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सबके एंड्स एक साथ कनेक्ट कर दिए, दूसरे एंड सारे एक साथ कनेक्ट कर दिए और इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, V V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, करंट जाएगा I, I करंट फ्लो कर रहा है, जब I करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर करंट यहां पर आ गया I1, यहां चला गया I2, यहां गया करंट I3 फॉर एग्जांपल, यानी कि जो टोटल करंट है, टोटल करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो फिर यहां पर V क्या हो जाएगा, V सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर V यानी पोटेंशियल जो अप्लाई किया है वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, समझ में आ गई बात, तो जब ये सेम है हमारे लिए तो I इज इक्वल्स टू टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, I को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सेम है, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V को कॉमन ले लें, I अपॉन V क्या हो जाएगा, देखिए I अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा, ठीक है, तो V अपॉन I क्या होगा, बट I अपॉन V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई R हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल्स टू I R होता है, R P P स्टैंड फॉर पैरेलल, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया भाई, ठीक है, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं तो 1 अपॉन R P क्या होना चाहिए, दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन RN होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो गया जर्नलाइजेशन इसका, अगर n रेजिस्टेंसेज आपके कनेक्टेड हैं, एंड इफ R1 इज इक्वल्स टू R2, मतलब आइडेंटिकल है, इज इक्वल्स टू RN और ये इज इक्वल्स टू R हो गया, लेट, तो उस केस में क्या हो गया, देयर फॉर 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन आर एंड टाइम्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 1 अपॉन आर पी क्या हो गया, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन आर एंड दिस इंप्लाइज आर पी इज इक्वल्स टू आर बाई एन हो जाएगा, जितने नंबर्स आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एंड टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता पड़ी, आरएस अभी हमने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, आरएस लिखा था अपन ने एनआर, अगर आइडेंटिकल है तो, लिखा था नहीं लिखा था, तो एक चीज देखें यहां पर, अगर आर एस अपॉन आर पी करते हैं आप, ये आर पी रहा ये आर एस, आर एस तो एनआर है, आर पी कितना है आर बाई एन है, तो ये कितना हो जाएगा आर एस अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, लेकिन एक कंडीशन कि यहां पर कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, कैसे रहेंगे यहां पर,
आइडेंटिकल होने चाहिए अपने पास में जो रेजिस्टेंसेस हैं, इस चीज को ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो अपन ने अभी देखी, आपने मैक्सिमम चीज़ जो है वो कहाँ पढ़ी है, टेंथ क्लास में पढ़ी है। बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर के अपन ने ये काम किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, दैट इज़ कलर कोडिंग। यानी कि अगर रेजिस्टेंसेस के ऊपर कलर हैं, कुछ कलर सिरेमिक की जैकेट होती है उसके ऊपर कलर्ड रिंग्स होती हैं, तो उनको देख करके पहचानना कि भाई ये कितना रेजिस्टेंस है, कितने ओम रेजिस्टेंस होगा, कितने किलो ओम रेजिस्टेंस होगा। कलर कोडिंग बहुत इजी चीज़ है और कई बार इसमें से क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए आप कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस बहुत इजी चीज है, एक स्टेटमेंट जो आपको ध्यान रखना है ना, क्या है, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife, smile आई कुछ चेहरे के ऊपर, है ना, statement ही ऐसा है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये स्टेटमेंट जो कि आपको याद हो गया होगा भाई, अभी तक तो नहीं हुआ याद, करो भाई ये तो जरूरी है याद करना अपने को, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब देखो इसके अंदर जो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, जो भी अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स में लिखा है उसको अंडरलाइन कर लें आप, देखिए कौन कौन से लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 दिख रहे हैं, लिख गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास में जो कैपिटल लेटर्स में लिखे ना, यही हमारे बहुत काम के, बाकी तो याद करने का ये सीक्वेंस जो कलर का सीक्वेंस है वो अपन ने देखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसकी एक टेबल अपन बनाते हैं, देखो यहाँ तो अपन ने लिखा एब्रीवेशन जो है, और थोड़ा सा ऊपर से लिखना पड़ेगा वरना बोर्ड के बाहर चले जाएंगे हम इसमें। ये सारे जो अपन ने लिखे हैं ये सारे के सारे बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गए। चलिए देखिए, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 गिनती अपने को सबको आती है ना, ये कोडिंग है इसकी। कलर फर्स्ट वाला बी, अब देखिए ये बी और बी में कन्फ्यूजन होता है, तीन बी है, 1, 2, 3 तीन बी हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास में ब्लैक, ये तो ब्लैक आ गया, ठीक है। दूसरा बी क्या आ गया, ब्राउन, तीसरा रेड,
ऑरेंज, येलो, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, ये चीजें हैं। ये लीजिए, और भी अगर ज़्यादा ये ब्लैक ब्राउन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो सर, सर से स्टार्ट करें। हमारा सर ज़्यादातर जो हेयर हैं ब्लैक हो जाते हैं, वो बात अलग है कि ब्राउन करा लेते हैं लोग बाग अब, लेकिन ब्लैक होते हैं। ब्लैक से स्टार्ट किया आपने, आइज़, आइज़ का कलर ब्राउन भी होता है, तो एक ब्लैक पता पड़ गया तो दूसरा भी अपने आप पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन तो यहाँ दूर हो गया। देन आर स्टैंड फॉर रेड, ऑरेंज, ये सब आ गया। जी ग्रीन, ये वाला जी ग्रे लास्ट में आएगा। ग्रे और वाइट हमेशा साथ में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लू स्टंट ये है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ आता मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में क्या होगा, देखो ये जो अपने को दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर चला है, मल्टीप्लायर ये हो गया अपने पास में 10^0, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यू कैन राइट 1, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। फिर 10^1 ये क्या हो जाएगा, 10^2, ये हो गया 10^3, बस पावर लिखते जाइए, 10^4 ये क्या हो जाएगा, 10^5, 10^6, 10^7, 10^8 एंड एट लास्ट 10^9। ये मल्टीप्लायर, ठीक है, इतना अपने को ध्यान रखना। इसके अलावा तीन चीजें और हैं, एक तो है कलर जो आता हमारे पास में, एक और चीज अपन मल्टीप्लायर के बाद में लिखते हैं, दैट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या है, तो आप चाहें जैसे लिखने जाए, इसके जस्ट नीचे है, एक तो है गोल्ड, गोल्ड कलर होता है, एक होता है सिल्वर, और एक होता है नो कलर, कोई कलर नहीं होगा, ठीक है ना, नो कलर। तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होगी, यहां लिखनी पड़ेगी अपने को, गोल्ड के लिए टॉलरेंस यहां पर ±5% की टॉलरेंस होती है भाई, गोल्ड के लिए टॉलरेंस ±5%। सिल्वर के लिए, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितनी होगी, ±10%। और जब कोई कलर नहीं है हमारे पास में, तो इसके लिए टॉलरेंस कितनी होगी, ±20%। यानी कि इसके बीच में रेजिस्टेंस वैरी कर सकता है, अगर ये रिंग्स दोनों गोल्ड या सिल्वर रिंग है या कोई कलर नहीं है, तीन ही रिंग रही रखी, चार चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पर एक अपन बात करते हैं, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, ये अपने पास में इस तरीके से सिलेंड्रिकल एक जैकेट बना होता है, सिरेमिक का होता है ना, सिरेमिक जैकेट होता है ये रेजिस्टेंस वायर है, इसके अंदर से होता हुआ जा रहा है। अब यहां पर क्या तीन रिंग होंगी, तीन रिंग कौन कौन सी, एक रिंग तो ये हो गई मान लीजिए, 1, 2, 3 और एक और आप लगा दीजिए कोई भी, दैट इज 4। ये चार कलर्ड रिंग है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट रिंग जो है ये फर्स्ट रिंग, ये सेकंड रिंग, ये हमारे पास में थर्ड रिंग, और ये जो आएगा दिस इज फोर्थ रिंग। चार रिंग्स रहेंगी और तीन भी हो सकती है, अगर फोर्थ रिंग पर कोई कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 रिंग्स होती हैं। तो अगर अपने को कलर रिंग दे रखी है तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट रिंग जो है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेगी, ठीक है ना,
सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को शो करता है। थर्ड वाला ये क्या है, ये मल्टीप्लायर है भाई, इसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लायर। और फोर्थ रिंग जो होगी ये क्या होगी, टॉलरेंस, टॉलरेंस को शो करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल अपन यहां लेते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल, देखिए क्या होगा। एक हमने कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लिया, इस तरीके से बना लें अपन इसको, कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लिया, यानी, और इसमें कलर्ड रिंग्स हैं बहुत सारे, चार कलर्ड रिंग्स ले लिए अपन ने, एक दो तीन और ये चार, मान लीजिए चार ले लें कलर्ड रिंग्स, ठीक है, चार कलर्ड रिंग्स लेंगे अगर अपन, और इनके कलर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इसका है मान लीजिए रेड कलर है, सेकंड रिंग का कलर है ऑरेंज, थर्ड रिंग का कलर है सपोज ब्लू, और फोर्थ रिंग है हमारे पास में गोल्ड, गोल्डन रिंग है मान लीजिए, चार कलर है। और मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस बताओ साहब, तो फर्स्ट रिंग रेड है, रेड का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ध्यान से देखिए यहां पर, अगर अपन आए रेड पे कितना नंबर आ रहा है, टू है ना, और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि ऑरेंज, ऑरेंज पे कितना आ रहा है, थ्री, ये हो गया हमारे पास में 23। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 23, रेड पर 2, ऑरेंज पर 3। देन थर्ड रिंग क्या थी, मल्टीप्लायर, थर्ड रिंग कौन सी है, ब्लू, ब्लू के ऊपर मल्टीप्लायर क्या है, 10^6, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10^6 प्लस माइनस। लास्ट रिंग गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना था, प्लस माइनस 5%, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस हो गया। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अपने पास में जो रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। अब टॉलरेंस क्या है, एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि यही वैल्यू मिले, 5% कम या ज़्यादा हो सकती है, तो पहले तो इसका 5% निकालो आप, 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 23 × 10^6 × 5/100, यही होगा, कितना आ गया देखो, कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया, यानी कि 1.15 आ गया, ये 5% इसका, 1.15 × 10^6, 5% निकल गया इसका, 1.15 × 10^6। अब एक बार इसको इसमें ऐड करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट कितनी होगी इसकी, अपर लिमिट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें ऐड करो इसको, कितना हो गया, 24.15 × 10^6 हो, और लोअर, लोअर लिमिट कितनी होगी भाई, लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए, 22 तो एक हो गया, 21.5, नहीं इसको ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, जो भी आएगा 21.85 आई थिंक ये आएगा, × 10^6, ठीक है, 22.85, इस चीज को ध्यान रखो, इतने हो, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में वैरी करने वाला है, समझ में आ गई बात। तो ये इसका क्या है, एक रेंज बन गई कि रेजिस्टेंस जो हम फाइंड करेंगे, मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर से अगर आप रेजिस्टेंस को मेजर करोगे ना तो इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम नहीं आएगा, इसके बीच में ही आने वाला है। एक आइडिया लग जाता है अपने को कलर रिंग देख करके कि भाई इसका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, ठीक है ना, तो इन चीजों को ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये लेक्चर हमारे लिए बहुत लेंथी लेक्चर लग रहा है, इस लेक्चर को अपन यहीं बाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब अपन मिलेंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें
जो सेल से रिलेटेड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.